नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में दो महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। छतरपुर जिले के जैतपुर, जो कि किशनगढ़ के समीप है, यहां पर कुछ लोगों पर वन विभाग की टीम ने जुल्म ढाया है। इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बीती रात जब वे विधिवत अनुमतियां लेकर जानवरों की खरीद करने आए थे, तब वन विभाग ने इनके साथ मारपीट की। ये लोग पिछले 15 सालों से यहां से जानवरों की खरीद कर रहे हैं, जानवरों को खरीदने के लिए विधिवत अनुमतियां लेते हैं, इसके बाद भी वन विभाग की टीम उनसे रुपए ऐंठने के एवज में मारपीट करने पहुंच गई। बीती रात इन लोगों के साथ जमकर मारपीट की। सुबह युवक कांग्रेस नेता लोकेंद्र वर्मा के साथ इन लोगों ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी बताया कि वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने उनसे 50,000 रुपए भी छीन लिए। जी साहब, हम पढ़ा लेने गए थे, जैतपुर स्कूल में लेटे थे, वहाँ पर वन विभाग वाले आए, बोले क्यों रे कौन पढ़े हो, हमको साहब पढ़ा वाले हैं, तो बस हमसे 10,000 रुपया मांगे और नहीं दिए तो साहब मारकूट करने लगे। जब मारकूट करने लगे हमारे, हम मोटरसाइकिल से भागे तो हमको डंडा मार करके हमारी गाड़ी भी छोड़ा ले गए और बुड्ढा को भी ले गए। बुड्ढा 50,000 रुपये लिए, बुड्ढा को फिर मारा, बहुत मुंह से खून डालता रहा बुड्ढा, गांव वाले बता रहे थे, और वो लोग बुड्ढे को हमारे ले गए। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं साहब कि हमारे बुड्ढे को छोड़ दें और हमारी मोटरसाइकिल ले गए हैं, मोटरसाइकिल हमारी छोड़ दें और कार्रवाई कह रहे थे हम तुमको वन विभाग में, हम ये लगा देंगे वो लगा देंगे, जानवरों का केस लगा देंगे साहब, ऐसे बोल रहे थे सर। महुआ से कुछ लोग, इन लोगों का पैतृक काम है जानवरों को खरीदना, तो ये लोग किशनगढ़ 15-20 साल से लगातार जानवर खरीदने जा रहे हैं। अब कल परसों की घटना है, शनिवार रात को जब ये जानवर खरीदने के लिए गए होंगे तो उस समय पे सरकारी स्कूल में सो रहे होंगे, रात को दारू पीकर जो वन विभाग के डिप्टी रेंजर हैं और वो वन विभाग के कर्मचारी हैं, ये लोग आए और इन लोगों से 10,000 रुपये की मांग करने लगे और रुपये ना देने के पर इन लोगों के साथ बहुत ही मारपीट की। ये जो साथ में आए हुए हैं, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और इनका जो बुजुर्ग पिता हैं उनको अभी भी वो थाने में बंद करवाए हुए हैं और उसको बहुत ज़्यादा मारपीट किए हैं और साथ में उसके पास 50,000 रुपए जो थे वो भी छिना लिए हैं और इन लोगों की मोटरसाइकिलें जो थी वो भी अभी थाने में ही बंद हैं। तो इस संबंध में आज एडिशनल एसपी साहब से चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग उचित कार्रवाई और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई, एचडी, वीडियोकॉन, टी2एच और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।